9 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर बीजिंग अंडरपास के करीब से नहर में गिरने वाली जो गाड़ी है उसको बाहर नहीं निकाला जा सका। बिल्कुल, ये इसी तरह का एक रात के वाकया रोनमा हुआ, जिसकी नाहली का मुंह बोलता सबूत ये है कि पुलिस अहलकारों और मुतलका इंतजामिया जो है, ये तकरीबन 9 घंटे का वक्त गुजर चुका हुआ है और 9 घंटे के गुजरने के बावजूद जो है रात जो तेज रफ्तारी के बाहर बेकाबू होकर गिरने वाली नहर में गाड़ी जो थी वो ताल नहीं निकाली जा सकी है। जबकि इस गाड़ी के नहर में गिरने की वजह से 4 अफराद भी जख्मी हो गए थे, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन रात तकरीबन ये गाड़ी तकरीबन अब तक ये 9 घंटे गुजर चुके हुए हैं इस गाड़ी को गिरे हुए, और इंतजामिया की जानेब से ना तो यहाँ पर कोई हमला पहुंचा है, ना कोई पुलिस अहलकार यहाँ पर मौके पर मौजूद है, ना ही किसी मुतलका थाने की जानेब से यहाँ पर पहुंचकर जो है शवाहद वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। क्योंकि गाड़ी के जितने भी पार्ट थे टूटने एक्सीडेंट होने के बाद, हादसे का शिकार होने के बाद, ये किनारे पर फैले हुए हैं। जबकि जो हादसे में जख्मी हुए हैं उनके जूते भी इधर पड़े हुए हैं, और इनके इस हवाले से बकायदा तौर पर गाड़ी जो है वो 9 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, गाड़ी को नहीं निकाला जा सका। शुक्रिया मुदस्सिर नवाब।